ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका कितना भी बुरा वक्त चल रहा हो, चाहे समय परिस्थितियां हमारी अनुकूल हो, परिस्थितियां खराब हो, तब आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। आप किसी भी बुरे दौर से अगर अपनी लाइफ में वर्तमान में गुजर रहे हैं, चाहे वो पारिवारिक कारण हो, चाहे वो आर्थिक कारण हो, या मतभेद का कोई भी विषय हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और इस परेशानियों से जल्द कैसे बाहर आ सके, उसके लिए हमारे पास कौन से ऐसे तरीके हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारे हालातों को अच्छा कर सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखकर आप अपनी मदद कर सकते हैं। मेरा जो उद्देश्य है, केवल आपकी एक सकारात्मक मदद करने का उद्देश्य है, और आप अपनी मदद खुद अगर करना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को देखकर आप अपनी मदद कर सकते हैं। जब भी बुरा वक्त होता है किसी भी इंसान के साथ, तो कुछ बेसिक चीज़ें सबके साथ कॉमन होती है। लोग साथ छोड़ देते हैं, चीज़ें खराब होती जाती हैं, जो हमारे खास थे कभी वो लोग पीछे हट जाते हैं, तरह तरह की कमियाँ, तरह तरह की बुराई, तरह तरह की बातें हमारे बारे में कहेंगे, अपनी तरह से बातें मिलाकर भी लोग हमारे बारे में गलत प्रचारित करेंगे। ये सामान्य बात है। और दूसरी बात ये है कि ऐसी परिस्थितियों में आपकी कोई मदद नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जिसके बुरे हालात चल रहे हैं ना, उस पर कोई भी हाथ रखना प्रेफरेंस नहीं देगा। तो ये चीज़ें कॉमन है, मतलब इस चीज़ के लिए लेकर आप दूसरों पर थोपे नहीं कि मेरे माता पिता, मेरे भाई दोस्त या कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को यहाँ दोषी समझने की मूर्खता न करें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है कि जब भी किसी व्यक्ति का हालात खराब होता है तो उसमें अच्छे और बुरे लोगों की पहचान हो जाती है। ये बेसिक सी चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को अगर हम दिमाग में लेकर और परेशानी को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये परेशानी को और बढ़ाने वाले, एक तो हमारी जो निजी परेशानी चल रही वो, और जब कोई मदद नहीं कर रहा है तो हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें परेशानी को बढ़ा देती हैं। तो अब इसमें जो टेक्निकल चीज़ जिसको आपको सही करना है वो यह है कि कोई मदद करें नहीं करें उनसे कोई मतलब ना रखें। मतलब से मतलब ये कहने का है कि उस चीज़ को इस तरह से नेगेटिव वे में न लें, क्योंकि ये एक बेसिक सा स्वभाव है, उसे भूल जाएं। हमारी मदद हमें करना है। अब हमें हमारी मदद करने में ज़्यादातर जो जातक हैं आपके, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। कोई भी चीज़ हो गई बस नकारात्मक सोचेंगे, क्योंकि बुरे हालातों में हर एक व्यक्ति नकारात्मक सोचेगा ही सही, क्योंकि चीज़ें खराब हो रही है तो मेंटेलिटी नेगेटिविटी हो जाती। अब उस नेगेटिविटी को अगर आप पॉजिटिविटी में तब्दील करेंगे, अगर अपनी वो जो नकारात्मकता है जो आपको बेचैन कर रही है, जो परेशान कर रही है, उसे अगर आप पॉजिटिव करेंगे, और वो पॉजिटिव होगी काम करने से, कोई भी काम करें, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। ज़्यादातर जातक रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो रुकना और स्थिर होना कई सारी चीज़ें खराब कर सकती है, चाहे जैसे पारिवारिक तकलीफों में हो, आर्थिक तकलीफों में, किसी भी तकलीफ में खुद को बिजी शेड्यूल में डालना अपने आप में उस परेशानी का एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। अब रही बात हम मन मुताबिक काम मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब चीज़ों पर सोच कर विचार के वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि जितना वक्त आप खुद को देंगे खाली रहकर, वो वक्त आपके लिए जहर है। तो कोशिश करें कोई भी काम, जो भी काम आपको पसंद हो, छोटा बड़ा स्टार्ट करके अपने लाइफ को थोड़ा सा सर्वाइव करके आगे बढ़ाएं। चीज़ों को, खर्चों को रोक दें, जो खर्चे हम नहीं कर सकते उन्हें रोक दें। सब चीज़ें एकदम से सडन ठीक नहीं होती है किसी भी, धीरे 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 हालात ठीक होते हैं। तो सडन एकदम से ठीक करने की कोशिश ना करें, और कोई शॉर्टकट होता भी नहीं है, शॉर्टकट हमें और परेशानी को और परेशानी में बढ़ा देता है। तीसरी बात है कि इस परेशानी में हमें हमारे गुरु मंत्र का ज़रूर सहारा लेना चाहिए। गुरु मंत्र वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। अपने आसपास, अपने जीवन में वो सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती है सिर्फ गुरु मंत्र से। आप अपनी मेहनत करते रहें, साथ में अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहें, वो सभी चीज़ें आपको मिलेगी और धीरे धीरे सही होगी, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो यही तरीके हैं आपके इन बुरे हालातों से बाहर आने का एक सरल तरीका। तो खुद को कहीं भी अपराध बोध में ना करें, खुद की गलतियां ना देखें। खुद की गलतियों से मतलब है, खुद को ऐसा ना समझे कि मैंने गलत किया, मेरे फैसले गलत थे, जो हो गया सो हो गया। हम यहाँ से जो चीज़ें सही कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है, और हम शांत दिमाग रहकर, खुद को शांत रहकर, चीज़ों को थोड़ा सा शांति से अगर हम ऑब्जर्व करके देखेंगे तो ज़रूर हमें चीज़ें अच्छी होती दिखाई देगी, और हम धीरे धीरे उन्हें अच्छा कर देंगे। ये आपके हाथ में है। जितना टेंशन लेंगे, जितना क्रोध करेंगे, जितना परेशान होंगे, जितना आप हाय तौबा जल्दी मचाएंगे, वो सभी इन हालातों को ख़राब करेगा, आग में घी डालने वाला है। तो बुरे हालातों में खुद को शांत रहना, खुद को शांत रखना सबसे बड़ा चैलेंज है, और जो शांत रह लेगा बुरे हालातों से बाहर हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।